नमस्कार, मेरा नाम है वृषाली। आज हम बात करेंगे विलो के बारे में। विलो एक छोटी ब्रीड की शिट्ज़ू डॉग है। सहरा ने मुझसे पूछा कि विलो अब पपी नहीं रही, वो बड़ी हो गई है, तो मैं उसको बाहर घुमाने तो ले जाऊंगी, बट क्योंकि वो छोटी ब्रीड शिट्ज़ू डॉग है, क्या मैं उसको अकेले एकांत में लेके जाऊं घुमाने? क्या वो दूसरे ब्रीड्स डॉग से जो बड़े हैं उससे उनसे मिलके या वो ठीक होगी या वो संकोच करेगी? मैंने सोचा कि मैं शाम को विलो से ये सब बातें कर लूंगी, क्योंकि उस दिन दोपहर में थोड़ा सर में दर्द था। पर विलो को बहुत आनंद हुआ कि उसकी मामा को उसके बारे में जानकारी करनी है, तो वो मुझसे कहने लगी, वृषाली अभी बात कर लेते हैं। अब ये आगे मैं जो बताने वाली हूँ, इससे इंटर स्पीशीज एनर्जी एक्सचेंज कह सकते हैं। विलो का कहना था कि तुम्हारे सर में दर्द जरूर है, क्या मैं थोड़ा सर पे नाचूं, आपको ठीक लगेगा? तो मैं लेट गई, ऐसे दिमाग में चित्र लाया कि छोटी ब्रीड की डॉग है जो मेरे सर पे धीरे धीरे नाच कर रही है, और मेरा सरदर्द कम हुआ और मुझे अच्छा महसूस हुआ। है ना मजे की बात? अब आते हैं हमारी बातचीत की ओर। विलो का कहना था कि हाँ, ममा का संकोच करना स्वाभाविक है, मैं छोटी ब्रीड की शिट्ज़ू डॉग हूँ, मगर मेरा स्वभाव बड़ा है, कोई दूसरी ब्रीड का डॉग मुझे कम न समझे। मैं दूसरे डॉग्स के बीच रहना पसंद करूँगी, तो ममा को ये ज़रूर बोल देना। और एक बात भी बताना कि थोड़ा सा मुझे लाड़ प्यार अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा, अरे वाह, ये तो ठीक है विलो, पर लाड़ प्यार मतलब क्या चाहिए? खुजलाना चाहिए? ट्रीट्स देना चाहिए? विलो कहने लगी, नहीं, ममा से कहना कि मेरे बालों में चोटी डालें, मेरे बालों में क्लिप्स डाल के उसको सजाएं, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हम दोनों का संबंध भी गहरा हो जाएगा। ये बातें मैंने सहरा को बताई। आगे चल के उसने मुझे ये वीडियोस भेजे। देखिए तो विलो क्या कर रही है। कैसी मस्ती कर रही है विलो, अच्छा लग रहा है उसे। और ये देखिए, विलो के बालों में चोटी। अच्छी लग रही है। इसे कहते हैं इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशन। इसे ये भी कहते हैं योनि अंतर भाषा, डॉग विस्परर, एनिमल कम्युनिकेशन, बहुत सारे नाम हैं। आपके भी कोई पालतू जानवर हो, कुत्ता हो ये जरूरी नहीं है, बिल्ली हो, कोई पक्षी हो या मछली हो, और उससे कुछ बात करनी है तो मुझसे संपर्क जरूर करें। आज की कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर डालिए। अगले समय तक नमस्कार।